बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम टीचर फहमारा। हाउ आर यू क्लास सिक्स? आई होप दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू ऑल विल बी परफेक्टली फाइन। नाउ स्टार्ट अवर लेक्चर, सो ओपन योर बुक ऑफ ग्रामर फ्री चैप्टर नंबर 26 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, लेक्चर नंबर 16 पेज नंबर 126 एंड 127, टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस डेफिनेशंस प्लस एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज सी एक्सरसाइज डी। बच्चे प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 15 में हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को डिटेल से डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज सी एंड एक्सरसाइज डी को। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की जस्ट डेफिनेशन को देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस समझने में कोई प्रॉब्लम फील हो तो आप लेक्चर नंबर 15 को दोबारा से ध्यान से सुन लीजिएगा। एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो किसी चीज़ के या किसी पर्सन के बारे में बता रहा है कि वो ये काम कर रहा है। मतलब ये कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट काम करता है उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल देखें आप, आई लव माई मदर। आई इसमें सब्जेक्ट है, लव इसमें वर्ब है, माई मदर मदर इसमें ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में ये था कि सब्जेक्ट काम करता था, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा। पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट पर काम किया जाए। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका ये है, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में ये बात ध्यान में रखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और सब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखें, माई मदर लव्ड बाय मी। मदर इसमें ऑब्जेक्ट है, लव्ड इसमें वर्ब है, मी इसमें सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखें। एक्टिव वॉइस बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि आप एग्जांपल देखें, आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखती हूँ। अब यहाँ पे लिखती कौन है मैं? आई इसमें सब्जेक्ट है, राइट इसमें वर्ब है, अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें। पैसिव वॉइस सेंटेंस का तरीका ये है कि सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक्सचेंज होगा। स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के अगर होगा सेंटेंस में तो सब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखें, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। इसमें अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, रिटन इसमें वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। राइट है फर्स्ट फॉर्म, रिटन है इसकी थर्ड फॉर्म। बाय मी, मी इसमें सब्जेक्ट है। सादा लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर काम करता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर काम करता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है या पैसिव वॉइस सेंटेंस है, मतलब इन दोनों का सेम ही है। लिखने में चेंजिंग है लेकिन मतलब इन दोनों का सेम ही है। पैसिव वॉइस सेंटेंस इस मीनिंग में आता है कि मुझसे ये काम हो गया, मैंने ये काम कर दिया। जैसा कि आप सेंटेंस बोले, मुझसे ये काम हो गया, मैंने ये काम कर दिया वगैरह। एक्टिव वॉइस जो है इसमें बात की जाती है मैं ये काम करती हूँ, और पैसिव वॉइस में मुझसे ये काम हो गया। इसमें डिफरेंस जस्ट यही है लेकिन मतलब इनका सेम ही है। पेज नंबर 126 पर एक्सरसाइज बी देखें। एक्सरसाइज बी की स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि सेंटेंस आपको दिया गया है। अब हमने देखना है कि इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस सेंटेंस कौन सा है। जो पैसिव वॉइस है उसके आगे हमने पैसिव वॉइस का पे लिख देना, और जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसके आगे हमने एक्टिव वॉइस का ए लिख देना। हम जानते हैं कि ए और पी जो है ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एब्रीवेशन में नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, ही वॉज टॉट बाय हिज अंकल। ही वॉज टॉट, उसे पढ़ाया गया, बाय हिज अंकल, उसके अंकल से। आप यहाँ पे देखें कि हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, और अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो फिर ये सेंटेंस ऐसे होना था, हिज अंकल टॉट टू हिम, फिर ये सेंटेंस ऐसे होना था। अब यहाँ पे अगर आप सेंटेंस की आपको ट्रांसलेशन के हिसाब से समझ नहीं भी आ रही, अगर बाकी मेथड आपके जहन से निकल भी गया है, तो आप बी वाई बाई आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, क्योंकि पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले बाई का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इसी मेथड को मद्देनजर रखते हुए हम एक्सरसाइज बी सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज सी देखें। एक्सरसाइज सी की स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि सेंटेंस आपको दिया गया है। अब हमने देखना है कि इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस सेंटेंस कौन सा और एक्टिव वॉइस सेंटेंस कौन सा है। जो सेंटेंस पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज हो सकता है उसके आगे हम लगा देंगे टिक का निशान, और जो पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज नहीं हो सकता उसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। इस तरह से एक्सरसाइज देखें बच्चे, आपको फील की हुई नज़र आ रही है, इस तरह से आप एक्सरसाइज फील कीजिए।
एक्सरसाइज डी देखें, विच एक्सरसाइज डी की स्टेटमेंट में बोला गया है कि आपको ऑलरेडी सेंटेंस दिया गया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों किस्म के सेंटेंस दिए गए हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस सेंटेंस को चेंज करना है हमने एक्टिव वॉइस में। इस तरह से एक्सरसाइज डी सोल्व करनी है। एक्सरसाइज सोल्व करने के बाद डेट डी मैंशन करना नहीं भूलिएगा। कीज ऑफ एक्सरसाइज डी, ये एक्सरसाइज डी का सोल्यूशन है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।